पैनी स्टॉक टू बाय नाउ इन 2021। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल पर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हो या नए आए हो तो मेक श्योर लाल कलर का बटन होगा उसको क्लिक कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देख लेना, ठीक है? फ़ायदे में रहोगे, बहुत सारे क्वेश्चनों के डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो लोग बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं पैनी स्टॉक के बारे में कि सर हम स्टॉक को बाय करें या नहीं करें, तो इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर। तो हो सके तो वीडियो अंत तक देख लेना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो होने वाला है, कोई बकचोदी नहीं होगी। फुल्ली आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि आपको पैनी स्टॉक को बाय करना है या नहीं करना है, एक प्रूफ के साथ बतलाऊंगा, ठीक है? तो प्लीज़ अंत तक देखना, और कुछ भी समझ आए मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम में शेयर कर देना। मुझे पता है आपको एक अच्छी रिटर्न स्टॉक में मिल रही है, और बहुत सारे लोग लालच के वजह से स्टॉक में फंसते हैं, ठीक है? तो भाई, हो सके तो वीडियो अंत तक देख लेना, इस इट इज़ माई रिक्वेस्ट, और मैं कुछ नहीं बोल सकता इससे ज़्यादा। तो आपने टाइटल तो पढ़ लिया है, जी हाँ, करंट मार्केट प्राइस 1 रुपये और 1.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, टारगेट 600 रुपये हो सकता है, हो सकता है। अब आप बोलोगे सर ये हो सकता का क्यों लगा रहे हो? ठीक है दोस्तों, मार्केट में कुछ मतलब आप बोल सकते हैं 100% नहीं होता है, आपको एक अजम्पशन में काम करना पड़ता है कि हाँ भैया ये संभावना है, ये हो सकता है। तो मुझे लगता है कि भैया ये न्यू तालना सोल्यूशन हो सकता है, जो स्टॉक आपका 700-800 रुपये तक गया था, क्योंकि जो पैटर्न इस स्टॉक में बन रहा है वही पैटर्न उस स्टॉक में बना था। और मैंने बहुत क्लियर वर्डों में कहा था भाई, 33 पैसे 34 पैसे के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है पैन स्टॉक, आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो, ये मल्टीबैगर स्टॉक होने वाला है। और स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1.5 रुपये का 1.39 का हाई लगाया, और स्टॉक अब करेक्ट हो रहा है, उसको करेक्ट बोलूँगा, उसको स्टॉक लोअर सर्किट में लगा है लेकिन उसको करेक्शन बोलूँगा, ठीक है? फंडामेंटल कंपनी लगातार स्ट्रांग हो रही है, तो वीडियो को अंत तक देख लेना। गैस, मेरे ख्याल से आपने स्टॉक का नाम कर लिया होगा, बहुत सारे लोग उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो स्टॉक का नाम है PMC फिनकॉम लिमिटेड। वीडियो अंत तक देखना भाई, यहाँ तक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है स्टॉक का नाम अगर आपने सुन लिया है, क्योंकि भैया आपके पैसों का सवाल है और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जो चीज़ें पास्ट में मैंने आपको बोली है उसी वर्डों में मैं अभी आप बोल सकते हैं उसी वर्डों में को मैं रिपीट करूँगा, राइट? कुछ नया नहीं उठाने वाला, बहुत क्लियर बोलूँगा भाई ये मल्टीबैगर बनेगा, लेकिन पैनी स्टॉक में आप उतना पैसा लगाओ जो आप खोने के लिए रेडी हो, ठीक है? मार्केट में बहुत सारे पैनी स्टॉक है, हर पैनी स्टॉक को हम बाय नहीं कर सकते हैं, आपको छोटा मोटा अमाउंट लगा के भूलना होता है। ये नहीं कि आपने बड़ा अमाउंट लगा दिया और बार बार आप उसको देख रहे हो, अगर बार बार आप चीज़ों को देखोगे ना पैनी स्टॉक्स को, तो डेफिनेटली वो आपका खून चूसेगा, ठीक है? आपको उसको देखना नहीं, उसको भूलना है। अगर आपने भूलने की आदत डाल ली ना पैनी स्टॉक्स में, तो डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट होगी, बात को समझो, राइट? मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि पैनी स्टॉक में आपको कैसे ट्रेड करना है या इन्वेस्टिंग करनी है, ठीक है? उसका फार्मूला बहुत लॉजिकल है, जो भी आपकी सैलरी है उसका 2% इन्वेस्टमेंट करो पैनी स्टॉक्स में, राइट? 5-10% करो लार्ज कैप में, बाकी करो पैनी स्टॉक्स में। अब आप बोलोगे सर 2%, अरे भैया स्टार्ट तो करो, जब वो कंपाउंडिंग आप ऐड करोगे ना तो 15-20 साल के बाद वो जो 2% आप अभी देख रहे हो वो 1000%, 2000%, 3000% तक हो जाएगा, बात को समझो। यही होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट्स, ठीक है? तो बात को समझो और अप्लाई करो, ब्लाइंडली फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। जो पैनी स्टॉक देता हूँ प्रॉपर रिसर्च के बाद देता हूँ, ऐसे हवा में नहीं देता हूँ, ठीक है? अब आपको दिखाता हूँ प्रूफ, और जो क्वेश्चन आप नीचे क्वेश्चन करते रहते हो सर मैंने ये इतने में लिया है, लोअर सर्किट में जा रहा है, क्या करूँ क्या करूँ, वो क्वेश्चन पैनी स्टॉक में क्वेश्चन पूछने लायक भी नहीं है और आंसर देने लायक भी नहीं है। क्यों? पैनी स्टॉक का मतलब ही होता है पैनी, चिल्लड़ भैया, उस चिल्लड़ का मतलब जो चिल्लड़ आपके पॉकेट से गिर जाए, आपको डर ना लगे, आपको खोने का मतलब गुम हो जाए तो कोई टेंशन ना हो, ठीक है? आपको पैनिक अटैक ना आए। अगर ऐसा अमाउंट आप लगा रहे हो पैनी स्टॉक में तो डेफिनेटली होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए। मैं बोल रहा हूँ जो तालना सोल्यूशन स्टॉक था वो भी कभी आपका 10 रुपये 5 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता था, और नेक्स्ट 10 सालों के बाद उस स्टॉक आज 700-800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यही स्टॉक मल्टीवैगर स्टॉक्स बनते हैं इंडिया के, ठीक है?
कोई भी स्टॉक अगर आप पास में उठा के देखते हो तो वो 2 साल 3 साल के अंदर अंडर परफॉर्म करता है। अंडर परफॉर्म मतलब या तो स्टॉक लगातार नीचे गिरता है या एक कंसोलिडेशन फेज में चले जाता है, मतलब एक रेंज में ट्रेड करता है, ठीक है। जब वो रेंज का ब्रेकआउट होता है स्टॉक पागल हो जाता है। और दोस्तों यही होता है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। किसी स्टॉक का चलने का टाइम पीरियड होता है 5 साल, किसी का 10 साल होता है, किसी का 15 साल होता है। इसके बारे में कोई मार्केट आपको प्रिडिक्शन नहीं करके दे सकता कि भाई वो टाइम कितना होने वाला है, ठीक है। आपको सिर्फ सबर करना है, पेशेंस से वेट करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, भूल जाना, छोटा अमाउंट लगा के आपको सवारी करनी है घोड़े की, ताकि आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सके, ठीक है। तो अब वीडियो को देख लो, अब यहाँ से मेन आपका वीडियो स्टार्ट हो रहा है। अब आपको ज़्यादा बड़ा ज्ञान दे दिया, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान पसंद नहीं आएगा। अगर पसंद आता है तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इतना मैं चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं चाहता हूँ। चलो लेके चलता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो ये PMC फिनकॉर्प का मैंने चार्ट खोला हुआ है। और दोस्तों एक बात को हमेशा ध्यान रखो, कोई स्टॉक ऐसे ऊपर नहीं जा सकता है। कोई स्टॉक अगर लोअर सर्किट में आ रहा है या नीचे गिर रहा है तो उसका मतलब वो एक संकेत है कि फ्यूचर में स्टॉक ऊपर बढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको दिखाता हूँ पास में स्टॉक में क्या हुआ है। और अगर आपको पहले स्टॉक में एंट्री करनी है कभी भी, तो हायर लेवल में एंट्री मत किया करो, ठीक है। अगर आप इसका वो देखोगे RSI, इसका RSI 80+ से लगातार वीडियोस में कह रहा हूँ, अगर ये बेसिक इंडिकेटर है RSI, ये बहुत लोगों को पता रहता है, ठीक है। अगर किसी पेनी स्टॉक का RSI 80 के ऊपर होता है डेली चार्ट में, तो आपको या तो वेट करना है या आप मात्र छोटा सा, ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप 1,000 रुपये लगाने का सोच रहे हो तो 1,000 में से मात्र 100 रुपये ही इन्वेस्ट करो उस समय, ठीक है, ताकि आपको एक रिग्रेट की फीलिंग ना हो कि भैया जो मैं अगर मैंने 1 रुपये में स्टॉक को बाय किया होता तो आज की डेट में 10 रुपये हो गया। कोई स्टॉक आपके 1 रुपये में चलना स्टार्ट होते हैं और 10 रुपये पर जाके रुकते हैं, तो वो अगर रिग्रेट की फीलिंग नहीं आपको होनी चाहिए तो उसके लिए क्या करो, 100 रुपये लगा के भूल जाओ, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। या दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है, जब RSI आपका एकदम पीक पे हो तो वेट करो करेक्शन की, और करेक्शन होने के बाद जिगरा रखो, जिगरा दम रखो अपने गुर्दे में कि भैया मुझे नीचे बाय करना है, और सपोर्ट देखो कि नेक्स्ट सपोर्ट क्या निकल के आता है। तो इस स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट है, मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ स्टॉक का सपोर्ट क्या है। इस सपोर्ट है इसका 85 पैसे और 1 रुपये के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है। तो 85 पैसे और 1 रुपये के आसपास डेफिनेटली सपोर्ट ले सकता है। कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी है और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 2.4 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। 2.4 करोड़ का प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है ऐसी कंपनी में, इसका मार्केट कैप बहुत छोटा सा मार्केट कैप है, बात को समझो, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज है मार्केट में जो प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन तब भी वो एग्जिस्ट करती है और लगातार उसमें ट्रेडिंग हो रही है और एक अच्छे वैल्यूएशन में आपको मिल रहा है वो स्टॉक 50 रुपये 100 रुपये, लेकिन ये स्टॉक आपको मात्र 1 रुपये के आसपास मिल रहा है जो लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो रखो नज़रों में रखो, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए स्टॉक ने पास में कैसे बिहेव किया है। देखिए ये स्टॉक नीचे गिरा, कंसोलिडेशन किया, ऊपर गया, दोबारा लोअर सर्किट में आया। और दोस्तों देखिए इसमें लगातार ट्रेडिंग होती है, जब स्टॉक नीचे गिरता है सपोर्ट लेता है और ट्रेडिंग होती है। यहाँ ट्रेडिंग हुई, कंसोलिडेशन किया, दोबारा से स्टॉक रॉकेट हो गया, देख सकते हो रॉकेट हुआ, ठीक है। ये लास्ट रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर लोगों ने स्टॉक को बाय किया, ठीक है, बड़े लोगों ने स्टॉक को बाय किया, बाय सेल हो रहा था स्टॉक में। आप इस बात को ध्यान रख लो, ये एक ऐसा मात्र पैनी स्टॉक है जिसमें ट्रेडिंग होती है, वो भी 50-60 पैसे के लेवल्स में ट्रेडिंग हो रही थी, इसलिए मैंने स्टॉक आपको सजेस्ट किया था। देखिए दोबारा से स्टॉक ने सपोर्ट लिया और दोबारा ऊपर चले गया, ठीक है। तो लगातार स्टॉक जब भी लोअर सर्किट में आता है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, बट आपको अपना जिगरा होना चाहिए, ठीक है, और अपना रिस्क पता होना चाहिए। पैनी स्टॉक में यही काम चीज़ करती है जिसमें आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए, अगर वो नहीं पता तो भूल जाओ, ठीक है। और दोस्तों देखिए दोबारा लोअर सर्किट में आया और स्टॉक रॉकेट हो गया, तो इस बात को समझो, ठीक है। मैं आपको बहुत क्लियर वर्डों में कह रहा हूँ भाई, ये एक ताला सॉल्यूशन हो सकता है नेक्स्ट, ठीक है, मेरे वर्डों में मत जाओ, ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको छोटा मोटा अमाउंट लगाना है लगा के भूल सकती हो, लेकिन मुझे लगता है ये 1 करोड़ 1 रुपये का स्टॉक आपको शायद करोड़पति भी बना सकता है, लेकिन अगर करोड़पति बनाएगा तो आपको रोड़पति भी बना सकता है। क्यों? अगर 1 लाख रुपये लगाओगे तो डेफिनेटली 1 लाख रुपये 0 भी हो सकता है, लेकिन क्या पता ये 1 लाख रुपये आपका 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन भैया अगर 1 लाख रुपये आपके लिए चिल्लड़ है, ठीक है, किसी के लिए 1 लाख चिल्लड़ होगा, किसी के लिए 1,000 रुपये चिल्लड़ होगा, किसी के लिए 10 रुपये चिल्लड़ होगा, तो आप देख लो कि आपके लिए क्या चिल्लड़ है। जो चिल्लड़ है उसको लगा के भूल जाओ, डेफिनेटली 10 या 5 साल के बाद आप मुझे थैंक यू करोगे।
ठीक है, जो भी पेन स्टॉक मैं आपको दे रहा हूँ उनमें से एक ना एक स्टॉक डेफिनेटली ताला सॉल्यूशन बनने वाला है, ठीक है। 10-15 साल वेट करना पड़ेगा अगर कर सकते हो, नहीं कर सकते ना तो भाई मत करो इन्वेस्ट पेन स्टॉक्स में, मैं इतना सिंपल बोलूँगा, ठीक है। तो भाई डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करो, अगर आपको डर लग रहा है अंदर से तो भाई मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दो, डेफिनेटली यहाँ पर एक बार अपर सर्किट खुलेगा, ठीक है, एक हरी कैंडल बनेगी, जब भी बनती है 2 या 3 दिनों के अंदर या 4-5 दिनों के अंदर एग्जिट मार दो अपना माल जो भी आपके पास है। बाकी मैं आपको अपना पुराना क्लिप्स दिखाता हूँ, 37 पैसे में ये पेन स्टॉक मैंने आपको सजेस्ट किया था, और भाई जिन्होंने स्टॉक को बाय किया ना सबके बल्ले बल्ले हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें कुछ सीखने लायक कुछ चीज़ भी है, उसको सीखो आप, देखो आप दोस्तों सबसे पहले वीडियो देख लो, ठीक है। आपको 37 पैसे के आसपास सजेस्ट किया था, ठीक है, 33 पैसे के आसपास, ताकि आपको बिलीव हो जाए हाँ कि आपको अच्छे एक गाइडेंस यहाँ मिलती है। इस वीडियो का क्लिप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर मिल जाएगा, बात को समझो, ठीक है। अब आप 1 रुपये 1.5 रुपये के आसपास बाय कर रहे हो तो आप अपना रिस्क को ध्यान रखो बस, ठीक है। हमने आपको जिस प्राइस में बोला था अगर आपने वहाँ बाय किया होता तो आप अभी प्रॉफिट में होते, ठीक है। अब आप 3 से 4 महीने बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, ठीक है, तो भाई आप उसमें ये देख लिया करो कि आपका रिस्क कैपिटल कितना है, राइट राइट। अगर मान लीजिए ये 33 पैसे मैंने सजेस्ट किया आपको और आज के डेट में स्टॉक चल रहा है 1 रुपये 30 पैसे के आसपास, 1 रुपये 35 पैसे के आसपास, ठीक है, बात को समझो, तो मतलब मैं खुद इसमें अभी 350 या 300% के ऊपर प्रॉफिट में हूँ, ठीक है, इतना आप मान के चल सकते हो, 300% बोल लो, 200% लगा लो मोटा मोटी, ठीक है। तो आप इस बात को समझो कि एक बंदा ना, एक बंदा मतलब एक बंदा नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे बंदे, जब आप स्टॉक को बाय कर रहे हो तो मेरे जैसे बहुत सारे बंदे उसको सेल भी कर रहे होंगे, इस लॉजिक को दिमाग में ध्यान रखो, दिमाग में घुसेड़ लो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने स्टॉक को 33 पैसे में बाई किया होता तो आप आज अच्छे खासे प्रॉफिट में होते और आपको टेंशन नहीं होती मेरे तरह, बात को समझो, यही लॉजिक है। तो अगर आप 33 पैसे में इस स्टॉक को बाय नहीं कर पाए और अभी प्राइस चला 1 रुपये 30 पैसे, अब आप इसको इस तरीके सोचो, मान लो आपने ये वीडियो मेरा 4 महीने पहले देखा होता जब मैंने स्टॉक सजेस्ट किया था, तो आप दिमाग में ये बात रखो कि मैंने अगर आपको सजेस्ट किया होता 4 महीने पहले, ठीक है, आपने देखा स्टॉक को, तो आप कितनी क्वांटिटी बाय करते उस समय, सोचो दिमाग में पहले। मान लो आपने दिमाग में सोचा कि मैं भैया 5,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा उस समय, करा करता मैं पक्का करता, अगर आपने मैंने वीडियो देखा होता उस समय 5,000 रुपये पक्का इन्वेस्ट करता, ठीक है। तो आपने 5,000 का अमाउंट फिक्स कर लिया, राइट। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये देखना है कि अभी वो उस प्राइस से कितना ऊपर जा चुका है, मतलब 200% ऊपर जा चुका है। तो आप कुछ मत करो, आपका जो अभी करंट कैपिटल चल रहा है, मतलब उससे 5,000 रुपये आपने करना था, तो 5,000 को आप क्या करो, पूरा का पूरा 5,000 रुपये इन्वेस्ट मत करो, अब आप कर दिमाग लगाओ या घोड़े दौड़ाओ अपने दिमाग के, अब आप क्या करोगे, अब आप 5,000 को 5,000 डिवाइड करो 4 भागों में, ठीक है, और एक हिस्सा अभी इन्वेस्ट करो, ठीक है। मतलब मान लो अभी 1 रुपये 30 पैसे चल रहा है, 1 रुपये 30 पैसे में एक हिस्सा इन्वेस्ट किया, और स्टॉक अगर थोड़ा नीचे गिरता है फिर दूसरा हिस्सा इन्वेस्ट किया, और नीचे गिरता है फिर तीसरा हिस्सा इन्वेस्ट किया, और नीचे गिरता है फिर चौथा हिस्सा इन्वेस्ट किया। तो ये तरीका अपनाओ, ये स्ट्रेटजी अपनाओ अगर स्टॉक आपका ऊपर चले जाता है, अगर आपको ऊपरी प्राइस में मिल रहा है, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे नीचे कमेंट करो, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ये थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी समझो उस बात को, साइकोलॉजी, ठीक है, ये साइकोलॉजी है किसी स्टॉक को कैसे पकड़े, ठीक है। अगर स्टॉक ऊपर भाग चुका है, रॉकेट हो चुका है, तो भैया मैं अगर 100 रुपये के लेवल से मुझे स्टॉक दिख रहा है तो मैं, मेरा ऐसी एंट्री प्राइस हो कि मैं फंसू ना, ठीक है। हर स्टॉक आपको ऊपर जाने के बाद करेक्शन करता ही करता है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बिहेवियर है स्टॉक का, वो नीचे आएगा ही आएगा, ऐसा कोई स्टॉक नहीं होता जो सीधा ऊपर चले जाए, रॉकेट हो जाए, सीधा मून में चले जाए, पॉसिबल ही नहीं है, हर स्टॉक नीचे आता है, बात को समझो, ठीक है। इसको अपने दिमाग में घुसेड़ लो और कभी भी रिग्रेट मत करो और कभी स्टॉक को चेज मत करो, ठीक है, अपना प्राइस का वेट करो, ठीक है, प्राइस इज किंग, ठीक है, भाव ही भगवान है, ऐसा कुछ बोला जाता है गुजराती में, अहमदाबाद में, ठीक है, तो उसको फॉलो करो प्राइस को, और कुछ मत करो, ठीक है। अब आगे लेके चलता हूँ वीडियो में, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ट आपको सिंपल दिख ही रहा है, एक अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड दिखा है यहाँ पर, 800 रुपये के लेवल से लगातार स्टॉक गिर रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर ये स्टॉक जैसे भी कैसे अपना 2 रुपये और 1 रुपये 50 पैसे का रेजिस्टेंस जो है इसका है, बहुत सालों का रेजिस्टेंस है, अगर ये उसको ब्रीच कर देता है एक अच्छे टाइम फ्रेम में मंथली में, तो डेफिनेटली भी हमको 3600 रुपये और 100 रुपये के लेवल पे निकाल सकता है। जो रेजिस्टेंस देख रहे हो आप, येरा ये 100 रुपये के टारगेट भी मुझे दिख रहे हैं, अगर ये 2 रुपये का एक रेजिस्टेंस एरिया लास्ट 5 सालों से सस्टेन है, अगर एक बार वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो डेफिनेटली स्टॉक 100 रुपये भी निकाल सकता है।
इसका जो पड़ाव है सब खुला हुआ है, क्योंकि इंडेक्स की जो गिरावट थी वो ऑलमोस्ट एक बड़ी गिरावट आई है। तो अगर ये एक बार इस एरिया को ब्रीच कर देता तो डेफिनेटली ये बढ़ेगा भी उसी तरीके से, क्योंकि अगर आप पास में अपनी स्टॉक्स को देखोगे, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आप उसको समझिए। दोस्तों देख सकते हो ताला सोल्यूशन का मैंने चार्ट खोला हुआ है, और ये स्टॉक देख सकते हो 400 रुपये से गिरना स्टार्ट हुआ था, रुकने और ये रुका कहाँ पर, 19 रुपये के आसपास जाके रुका। अब देखिए दोस्तों यहाँ हुआ क्या, कि एरिया इसका एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, ठीक है। और ये स्टॉक देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट लगातार चार पाँच साल ऑलमोस्ट 25 पैसे भी ये स्टॉक गया, 25 पैसे के आसपास भी इसने ट्रेड किया, और ऑलमोस्ट 4-5 साल तक ये एक रुपये के रेंज में ट्रेड कर रहा था लगातार ये स्टॉक ताला सोल्यूशन। ये स्टॉक का आप टेक्निकली भी समझिए कि ये स्टॉक बढ़ते कैसे है, तो जैसे ही इसने यहाँ पर इसको ब्रीच किया, उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था, हमें क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है 66 रुपये, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस एरिया जो है 84, और जैसे ही इसने 84 का रेजिस्टेंस एरिया ब्रीच किया, आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसने ब्रीच किया 84 का ताला सोल्यूशन ने, यहाँ पर जैसे इसने एक बार इसको टेस्ट किया, यहाँ रिजेक्शन आया, और रिजेक्शन आते ही फिर जैसे तो थोड़ा नीचे आया ये, और नीचे आने का 44 का लो लगाया, उसके बाद फिर देखिए दोस्तों एक बड़ी बड़ी 3-4 कैंडलें बनी और उसने पूरा काम तमाम कर दिया। ये 4-5 जो कैंडलें जो बनी हैं, ये सिमिलर कैंडल देख सकते हो, ये बनी है इधर, तो इसका ये एक रूप हो सकते हो, क्योंकि गिरने का तरीका सेम था तो बढ़ने का तरीका भी सेम होगा, कोई अलग नहीं हो सकते हो कि जो स्टॉक गिरा होगा यहाँ से तो किसी न्यूज़ की वजह से गिरा होगा। तो ये स्टॉक यहाँ पर जो बढ़ा है ये भी न्यूज़ की वजह से बढ़ा है, मतलब गिरने का तरीका सेम, बढ़ने का तरीका सेम, तो यही आपको देखना है उसमें स्टॉक में, ठीक है। जब वो 1 रुपये या 2 रुपये का अपना प्राइस ब्रीच कर ले तो गिरने का तरीका तो देख सकते हो स्टॉक में बिल्कुल सेम था, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, देख सकते हो आपके सामने इस स्टॉक का गिरने का तरीका देखिए, ठीक है। एक रेंज में भी ट्रेड कर रहा है, और अब जब स्टॉक एक ब्रीच करेगा इस लेवल को, जो मैंने बताया 2 रुपये का लेवल जब क्रॉस करेगा, उसके बाद तो हमारा टारगेट निकल करता है 50 रुपये का, तो जैसे 50 रुपये का आपका एक रजिस्ट्रेंस लेगा, तो इसका जो बढ़ने का तरीका होगा, जब 50 रुपये क्रॉस कर देगा स्टॉक, तो इसके बढ़ने का तरीका भी सेम होगा जैसे हमारे ताला सोल्यूशन की तरह था। देख सकते हो गिरने का तरीका भी एक रेंज में गया स्टॉक, ये भी मतलब इसको टाइम लग सकता है, जैसे इसको देख सकते हो ताला सोल्यूशन को ऑलमोस्ट 7 से 10 साल लगा है, तब जाके 500 रुपये आज प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो ये भी देखिए इसको भी टाइम लग सकता है, ये लगातार 5 साल से रेंज में ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर 3-4 साल और टाइम बताएगा, 30 रुपये भी जा सकता है, वहाँ से नीचे भी आएगा, उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा अपना 50-60 रुपये के ऊपर, तो डेफिनेटली ये भी बिल्कुल वैसे ही बढ़ेगा जैसे ताला सोल्यूशन बढ़ा है। देख सकते हो बिल्कुल चार्ट से पैटर्न सेम ही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि गिरने का तरीका ठीक है, फिर थोड़ा बीच में इसने कंसोलिडेशन किया है लगातार, आप बोल सकते हो कि बहुत सालों तक, और वो 10 साल 5 साल का आप कंसोलिडेशन बोल सकते हो इसका भी, सेम ताला सोल्यूशन की तरह ही, और जब ये ब्रेकआउट करेगा तो उसका बढ़ने का तरीका भी सेम होना चाहिए जैसे गिरा है, ठीक है। दोनों सिमिलर चार्ट पैटर्न है, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। अब आगे लेके चलता हूँ, जैसे इस स्टॉक में हमारे जो टारगेट निकल के आते हैं 34-33 पैसे में बाय करो, 25 पैसे में मिलता है जैकपॉट है, 1x रिटर्न है, प्रॉफिट बुक करो, ठीक है, बाकी प्रॉफिट आप रहने दो, टारगेट रहेगा उसके लिए, जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आते हैं वो है 10 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर 50 रुपये, और जो फाइनल टारगेट रहेगा वो है भाई मेरा जो है 600 रुपये, ठीक है, मेरा इसका फाइनल टारगेट 600 रुपये है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, मैं आपको क्या समझाना चाहता था, आपको पेशेंसली वेट करना है किसी पेनी स्टॉक में, और उतना अमाउंट लगाओ जितना आप रिस्क ले सकते हो। बहुत क्लियर वर्डों में आपको मैंने ना सब कुछ, जो क्वेश्चन आपके होते हैं ना वीडियोस में, वो मैंने आपको 4 से 5 महीने पहले ही अपडेट कर दिया था कि आपको क्या करना है स्टॉक में, मैंने आपको टारगेट भी दे दिए थे आपके PMC फिनकॉर्प के। तो भैया अब ये फालतू के क्वेश्चन, ठीक है, फालतू के क्वेश्चन मतलब कि मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करना है, सबके आंसर आपको मैं पहले दे चुका हूँ, राइट। मैंने आपको टारगेट भी बताया कि भैया 1.5 रुपये का रेजिस्टेंस है, 2 रुपये का रेजिस्टेंस है, जब तक उसके ऊपर जाएगा दूसरा वो पड़ाव होता है, 80-85 पैसे का पहला पड़ाव था वो उसने टाप लिया है, ठीक है, लेकिन अब जो 2 रुपये का पड़ाव टापने के लिए उसको कम से कम 2-3 महीना वेट करना पड़ेगा, वो आज के दिन नहीं रॉकेट हो जाएगा, रोज़ अपर सर्किट नहीं लग सकता किसी स्टॉक में, अगर लग रहा किसी स्टॉक में रोज़ अपर सर्किट तो समझ जाओ वो किसी दिन लोअर सर्किट में गिरेगा भी, ठीक है। तो भाई बहुत क्लियर वीडियो है, इस वीडियो को देख लो जो लोग पेनी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से भाई बेस्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक इंडिया का हो सकता है ये आपका, क्या नाम है इसका, PMC फिनकॉर्प। नेक्स्ट आना सोचनों का डेफिनेटली बोल रहा हूँ भाई, कुछ ना कुछ इसमें बड़ा होगा, ठीक है, हम बात करेंगे अब से 10 साल के बाद कि भैया क्या होगा इसमें, ठीक है, या तो पैसा 0 होगा या हमें एक अच्छी रिटर्न देके जाएगा, जो यूट्यूब के आप बोल सकते हो कि प्लेटफॉर्म में किसी ने आपको नहीं दिखाई होगी, तुम्हारा भाई दिखाएगा विवेक राणा स्टॉक्स में सिर्फ, ठीक है। तो बने रहो,
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, जो करना कर लो, साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो बाय।